प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे। पिछली बार हमने पढ़े थे सांवले सपनों की याद के कुछ अंश। तो इसके पहले हमने देखा था कि जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में जितनी बातें लिखी, उनके पक्षियों के प्रति प्रेम, उनकी जो शव यात्रा निकल रही थी उससे होने वाले उनको दुख, इन सब बातों को उन्होंने लिखा था। तो आइए अब हम जानते हैं उस अध्याय के बारे में और भी कुछ बातें। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो यहाँ लेखक ये कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें एक नज़र उस कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जानी चाहिए जिनका नाम है सालिम अली। कहने का तात्पर्य, हमें पहले सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। और इन पंक्तियों में लेखक यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था और उनकी मौत कैसे हुई। उनके 100 साल होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। वो लंबी यात्राओं पे जाते थे, लंबी यात्राओं के कारण उन्हें काफ़ी थकान हो जाती थी और इस थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और ऊपर से कैंसर जैसी बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की यह थी कि अंतिम क्षणों तक भी वो काम करते रहे। कभी भी उन्होंने अपने आप को काम से पीछे नहीं किया, हमेशा अंतिम समय तक वो काम करते रहे जो उनका काम था, पक्षियों के बारे में जानकारी लेना, और निरंतर उस काम में वो जुटे रहे। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। यहाँ पे हमारे लेखक जाबिर हुसैन जी ने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो मिश्रित शब्दावली में होती थी। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी शब्द बर्ड वॉचर का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है पक्षियों के बारे में सूक्ष्मता से, बारीकी से जानना, उसे हम कहते हैं बर्ड वॉचर। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी है। यहाँ लेखक उनके व्यक्तित्व का जो आकर्षण था उसके बारे में कहते हैं। उससे पहले हम कठिन शब्दों का थोड़ा अर्थ समझ लें। जैसे कि यहाँ क्षितिज कहा गया, क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज का अर्थ है वह जगह जहाँ हमें आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र आते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। तो बच्चों, ऐसा आप लोगों को भी कभी अनुभव हुआ होगा, आप खड़े हैं एक जगह पर और दूर जगह पे आप देख रहे हैं तो वहाँ आपको ये नज़र आता है कि आसमान पूरी तरह झुका हुआ है और ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो दोनों का मिलाप हमें वहाँ नज़र आता है, उसे ही कहते हैं क्षितिज। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व के आकर्षण के बारे में बताया। सलीम अली के व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो जहाँ भी जाते थे अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाल देते थे। हर जगह उनका व्यक्तित्व फैल जाता था, हर इंसान उनके व्यक्तित्व का कायल हो जाता था। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उनके लिए ये धरती, ये दुनिया एक रहस्यमय थी। ये वो जानते थे कि ये दुनिया एक रहस्य भरी दुनिया है, इस प्रकृति में हर तरफ एक रहस्य भरा हुआ है, और वो इसी रहस्य को ढूंढने के लिए, जानने के लिए निकल पड़े थे। कहने का तात्पर्य, वो पक्षियों की दुनिया में बहुत सी खोजबीन करते थे, पर्यावरण के बारे में जानना चाहते थे। इसी तरह वो अपनी मेहनत को अंजाम देते थे। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो यहाँ बच्चों, अब सहपाठी का अर्थ हम समझें। सहपाठी किसे कहते हैं? सहपाठी यानी जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ता हो, उसे हम कहते हैं सहपाठी। जैसे आपकी क्लास में आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें हम सहपाठी कहेंगे। समझ में आया बच्चों? सहपाठी का अर्थ यानी सह मतलब साथ, और पाठी यानी पढ़ने वाला, साथ में पढ़ने वाला अर्थात सहपाठी। तो तहमीना सलीम अली जी की पत्नी थी, लेकिन स्कूल में वो उनकी सहपाठी रही थी। अब आगे हम उनके जीवन से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब, गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। तो बच्चों, सलीम अली जी एक बार केरल गए, वहाँ साइलेंट वैली पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जब उन्होंने देखा, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि साइलेंट वैली के पक्षियों को बहुत खतरा है। किस चीज़ का? रेगिस्तानी हवा के झोंकों का। तो उन्हें इस चीज़ को देखकर बहुत दुख हुआ कि इन पक्षियों को, इस पर्यावरण को जो एक खतरा है, इससे कैसे बचाया जा सके। तो पक्षियों की असुरक्षा उनके मन में घर कर गई, और पक्षियों की सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए वो चौधरी चरण सिंह जी से मिले। चौधरी चरण सिंह कौन थे बच्चों, जानते हो? चौधरी चरण सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी साहब भी एक किसान थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे, किसान थे, पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण का ध्यान रखते थे। जब सलीम अली ने साइलेंट वैली के खतरों के बारे में चौधरी साहब को बताया, तो उनके मन में भी एक दूरगामी परिणाम, यानी दूर में एक ये नज़र आ रहा था कि शायद इन पक्षियों का जीवन खतरे में है। सलीम अली जी की बातें सुनकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ और उनकी आंखें नम हो गई। आंखें नम होना अर्थात भावुक होकर आंखों में आंसू आ जाना। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब इस सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब यहाँ लेखक के मन में प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि सलीम अली भी नहीं रहे और चौधरी साहब भी नहीं रहे, यानी दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो अब कौन बचा है? तो ऐसा पक्षी प्रेमी अब कौन है?
जो इन पक्षियों के बारे में सोचेगा, उनके बारे में खोजबीन करेगा, उनकी रक्षा करेगा। कौन है जो इनकी वकालत करेगा? इसका अर्थ है, यानी कौन उनकी रक्षा करेगा, कौन उन्हें बचाएगा। इस लेख के अगले चरण में लेखक क्या कहना चाहते हैं, आइए देखें। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। देखो बच्चों, यहाँ एक और किरदार इस कहानी में जुड़ते हैं, जिनका नाम है D.H. लॉरेंस। वो भी एक अंग्रेजी के कवि थे और वही पक्षी प्रेमी थे जैसे कि हमारे सालिम अली जी थे, और उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस। तो जब D.H. लॉरेंस जी की मौत हुई तो उनकी पत्नी को ये कहा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। तो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। अब यहाँ जब उनकी पत्नी से ये अनुरोध किया गया कि आप D.H. लॉरेंस के बारे में लिखें, तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। उनकी पत्नी ने जब अपनी असमर्थता जाहिर की कि वो अपने पति के बारे में नहीं लिख सकती, तो क्यों नहीं लिख सकती जानते हो बच्चों? आइए मैं बताती हूँ आपको कि लॉरेंस जो थे वो पक्षी प्रेमी थे। उनका ज़्यादातर समय पक्षियों के साथ बीतता था। छत पर बैठी हुई गोरैया के साथ उनका समय ज़्यादा बीतता था, अर्थात वो पक्षियों के साथ अपना समय ज़्यादा बिताते थे। जिस तरह लॉरेंस का लगाव पक्षियों के साथ था, उनकी पत्नी का मानना था कि पक्षियों का लगाव भी उनके साथ उतना ही था। इसीलिए उन्होंने गौरैया का जिक्र किया, क्योंकि गौरैया को लॉरेंस के बारे ही नहीं बल्कि उनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी थी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। तो आइए जाने इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, इसका सार क्या है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जो सालिम अली को जानते थे उनके लिए सालिम अली एक पहेली नहीं थे, वो एक आम इंसान थे, क्योंकि वो सालिम अली को जानते थे। सालिम अली जो अपना काम कर रहे हैं वो उनके पक्षी प्रेम के कारण ही कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान सालिम अली से वाकिफ नहीं थे तो उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। तो बच्चों आइए यहाँ उनके बचपन की एक घटना के विषय में हम जानते हैं। बचपन में एक बार उनकी एयरगन से घायल होकर एक नीले कंठ की गोरैया गिर पड़ी, और उस नीले कंठ की गोरैया के घायल होने पर सालिम अली जी को बहुत दुख पहुँचा। वो इतने आहत हुए कि उन्होंने अपने ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी, और उसी समय से वो एक पक्षी प्रेमी बन गए और वो पक्षियों की खोज पे निकल पड़े। और उस समय से जो वो निकले आगे ही आगे बढ़ते गए और उन्होंने वापस लौटकर नहीं देखा। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। कभी भी उन्होंने अपने विश्वास को डोलने नहीं दिया, और उन्होंने अपना जीवन लॉरेंस की तरह अपनी जिंदगी को सहज और सरल बना दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते,
क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बने। यहाँ उनको टापू और सागर के साथ उनकी तुलना की गई। टापू यानी एक सीमित स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और सागर अर्थात समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं होती, चारों तरफ होता है अथाह जल। तो सालिम अली जी प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं बने, यानी कहने का तात्पर्य कि वो एक टापू की तरह उन्होंने अपने जीवन को सीमित नहीं किया, बल्कि अपने कार्य को चारों तरफ फैलाया। हर जगह उन्होंने अपनी खोज की। उनकी खोज अंतहीन थी। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी, भ्रमणशील स्वभाव यानी जो घूमने फिरने के स्वभाव वाले हों। तो बच्चों, यायावरी का अर्थ एक विशेष समूह जिनका जीवन यात्रा करते हुए ही व्यतीत होता है, जो कभी भी एक स्थान पर नहीं टिक कर रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते ही रहते हैं। तो जो लोग जिनका स्वभाव भ्रमणशील है, जो यायावरी हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है, किसके बारे में बच्चों? पता है, सालिम अली जी के बारे में। क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि वो पक्षियों के सुराग में निकले हैं, उनकी खोज में निकले हैं, और अपने गले में एक लंबी दूरबीन लटकाए। दूरबीन क्यों लटकाते थे? ताकि वो पक्षियों को देख सके, दूर तक पक्षियों को देख सके। हमेशा उनके गले में एक दूरबीन लटकी रहती थी। तो ऐसा एहसास होता है कि कभी भी वो सालिम अली जी अपने नए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अब यहाँ पे बच्चों, लेखक एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, जो प्रश्न हमें बहुत भावुक कर देता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्या हम मान लें कि वो सचमुच नहीं लौटेंगे? क्योंकि आज भी दिल में ये एहसास है और ऐसा लगता है कि वो लौट आएंगे। मेरी आंखें नम है। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? देख, यहाँ कितनी भावुकता है मन में। आंखें नम है, आंखें भरी हुई है, और एक विश्वास मन में, ये मानने को तैयार ही नहीं कि सालिम अली जी की मृत्यु हो चुकी है। एक आशावादी दृष्टिकोण, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लेखक एक आशावादी दृष्टिकोण दिखा रहा है कि सालिम अली जरूर लौट कर आएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ, सांवले सपनों की याद। उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। तो आइए इस पाठ से जुड़े हम प्रश्नों पर गौर करें। पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो इसका उत्तर है कि बचपन में एक बार सालिम अली जी एयर गन से अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास करते करते उनकी एयर गन से एक गोली चल गई, और वो गोली नीले कंठ की गोरैया को जा लगी और गोरैया घायल हो गई। गोरैया के घायल होने से सालिम अली जी इतने आहत हुए कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अगला प्रश्न, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तो बच्चों, इसका उत्तर है साइलेंट वैली में जब उन्होंने रेगिस्तानी हवाओं का प्रभाव पक्षियों पर पड़ते देखा, तब वे प्रधानमंत्री जी के पास गए। तो प्रधानमंत्री, जो कि खुद एक किसान थे, पक्षी प्रेमी थे, तो उन्होंने जब इस पक्षियों के खतरों के बारे में जाना और उसका दूरगामी परिणाम सोचा, तो ये सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर है, अक्सर लॉरेंस छत पर बैठकर पक्षियों को निहारते थे और उनसे बातें करते थे।
इसलिए लॉरेंस की पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा वो गौरैया लॉरेंस के बारे में अधिक बातें जानती है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का हम अर्थ समझेंगे। आइए, पहला, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर, सालिम अली जी एक पक्षी प्रेमी थे। सालिम अली जी का जीवन सहज और सरल था। उन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी वे कभी विचलित नहीं हुए। इसीलिए उनका जीवन लॉरेंस की तरह एक सहज स्वाभाविक जीवन बना रहा। आगे चलते हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु एक कड़वा सच है, यानी जिसकी मृत्यु हो गई वो कभी लौट कर नहीं आता। सालिम अली जी की मृत्यु हो चुकी है, हर कोई जानता है, लेकिन उनके चाहने वाले कोई भी यत्न कर लें, लेकिन उन्हें लौटाकर वापस नहीं ला सकते। उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। अगली पंक्ति, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तात्पर्य कि सालिम अली जी का कार्य, जो पक्षियों के संबंधित था, प्रकृति से संबंधित था, वो एक सीमा में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि वो अथाह था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो बच्चों, ये थी कुछ कठिन पंक्तियाँ जिसका अर्थ हमने समझा, जिसका सार हमने जाना। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की चार विशेषताएं बताइए। उत्तर, जाबिर हुसैन जी की भाषा शैली, अनेक विशेषताएं हैं लेकिन हमें चार बतानी है। उनकी भाषा मिश्रित भाषा थी, क्योंकि उनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जाता था। उनकी भाषा सहज, सरल और कलात्मक थी, और उनकी भाषा में अलंकार का प्रयोग किया जाता था, जैसे उपमा, रूपक, और उनकी भाषा चित्रात्मक थी। चित्रात्मक यानी हम जब उसको पढ़े तो वो चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता था। ये थी उनकी भाषा शैली की विशेषताएं। अगला प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी सालिम अली का व्यक्तित्व, जैसा कि हम जानते हैं, सालिम अली जी पक्षी प्रेमी थे, बर्ड वॉचर थे, और उनका जो कार्य था वो एक सीमित नहीं था, वो अथाह था। और वो उनका व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता, वो अपने व्यक्तित्व से लोगों को हमेशा प्रभावित करते थे। ऐसा था सालिम अली जी का व्यक्तित्व। अगला और अंतिम प्रश्न, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो जाबिर हुसैन जी ने ऐसा शीर्षक क्यों चुना, सांवले सपनों की याद? क्योंकि उनके मित्र की मृत्यु हो चुकी थी और उनके देखे हुए सपने अब कभी भी पूरे नहीं हो सकते थे। कारण, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके अब अधूरे सपने अधूरे ही रह गए थे। तो बच्चों, आज के इस पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। फिर अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। सदा खुश रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई में ध्यान दें, मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।